ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि जून का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही है स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे कि सेजिटेरियस की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, सो बी रिसेप्टिव और रिसीव कीजिए इन ब्लेसिंग्स को एंड लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है सीता देवी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, देखते हैं, इट्स लाइक यू नो वेरी डिफरेंट। ओके, फिडेलिटी इन लव, डिवोशन टू ट्रुथ, और यहाँ पे टॉलरेंस पावर एंड पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक लॉट ऑफ पेशेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड में, जैसे सीता माता ने यू नो देख सकते हैं आप, सब सभी देवी देवता यहाँ पे खड़े हुए हैं और सीता माता यहाँ पे अग्नि में यू नो बैठी हुई। सो इट्स अबाउट कि लॉट ऑफ पेशेंस। आई थिंक आप कोई टास्क है, कोई कुछ है, आप उतने अग्रेसिव नहीं हैं जितने कि आप हुआ करते थे, एंड यू आर गोइंग थ्रू प्यूरिफिकेशन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, या जिसे कहते हैं कि अग्नि परीक्षा, जैसे हम कहते हैं कि वो वक्त है आपके लिए जून मंथ। बेसिकली इट्स अबाउट दैट। सो ये हो सकता है कि इट्स अबाउट लव थिंग एज वेल, कि आप यू आर लाइक बीइंग टेस्टेड फॉर समथिंग, ठीक है, और आप खुशी खुशी उस चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं और डिवोटेड हैं टूवर्ड्स ट्रुथ, ठीक है, कि नहीं मतलब आप जो करेंगे आप सच का ही साथ देंगे, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉलरेंस, यू नो आपके अंदर और टॉलरेंस पावर आ रही है, एंड पावर टू इम्प्रूव, लाइक आपके अंदर वो पावर आ रही है कि येस यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ मोर एंड मोर। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस कार्ड, इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, ठीक है, या जैसे कहते हैं अग्नि परीक्षा, एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आप डिफरेंट पर्सन बन के इमर्ज होके आएंगे बाहर, और शायद हो सकता है कि ये आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग ओनली, और हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है, कोई कोई कर सकता है, ठीक है। और ये मे बी इट्स रिलेटेड टू यू नो कि आपको कुछ भगवान सिखा रहे हैं, या कुछ यू नो लाइक यू आर गोइंग थ्रू दैट पीरियड, वो वाली एनर्जी, कुछ सिखाने के लिए या कुछ करने के लिए। बजरंग बली यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, सो मे बी आप उनको मानते हैं। श्री राम है यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ है, और बट मेरे जो मेनली मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, ब्यूटिफुल एनर्जी। चलिए और देख लेते हैं। अब बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की, ठीक है, कि सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में पहले ही कार्ड निकल के आ गया है फोर ऑफ कप्स, इट्स अबाउट रिफ्यूजल। तो ये जो रिलेशनशिप है रिफ्यूजल मोड पे चल रहा है। ओके, और मतलब हो सकता है कि आप चाहते कुछ और हैं लेकिन दिखा कुछ और है या हो कुछ और रहा है, ठीक है। इट्स अबाउट लाइक देखिए यिन एंड यांग कुछ के लिए हो सकता है, यू आर डीलिंग विद अ काउंटर पार्ट। यिन एंड यांग का मतलब क्या है, इट्स लाइक अ सोल कनेक्शन, यू बोथ मेट ईच अदर, आप किसी आप एक दूसरे से मिले हैं फॉर अ रीजन, कुछ रीजन है, या आप कनेक्टेड हैं थ्रू द सोर्स, या आप कनेक्टेड हैं एक लाइक अ सोल टाई, ठीक है। बट यहाँ पे एक्ट कुछ और चल रहा है, मतलब कुछ यू नो कुछ और ही निकल के बाहर आ रहा है, वो वाली एनर्जी है। चलिए और देख सकते हैं सेजिटेरियस की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सेजिटेरियस इज लाइक यू नो आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। व्हाई? बिकॉज हो सकता है दैट यू आर फीलिंग गिल्टी, और यू आर फीलिंग लाइक कुछ हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ बोला हो या कुछ कहा हो, सो हो सकता है आपको वो हिट किया है, एंड यू आर नॉट able to come out of it, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि yes you are married, okay, या आप third party connection में हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, और हो सकता है that आप अपने पे self work कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, whatever, एवर और देयर इज somebody, या हो सकता है कि आपके पास choices हैं और आप decide नहीं कर पा रहे हैं। ये दो stories हमको दिखाई दे रही हैं, but definitely आप परेशान हैं,
है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है। बट आप अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू स्टे हैप्पी, स्टे इंडिपेंडेंट एंड लॉट ऑफ यू नो मनी, लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर मनी दिस एंड दैट, बट एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ चल भी रहा है, परेशान भी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इन्होंने जो सब कुछ है वो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, ठीक है, ये जो पर्सन है, एंड मे बी दे आर स्टिल वेटिंग कि कब चीज़ें ठीक होंगी, स्मूथ होंगी। बट येस, ये पर्सन भी कभी कभी डबल माइंडेड हो जाते हैं, यू नो जगल करने लग जाते हैं, बट बेसिकली जो है वो दैट इज जजमेंट, लाइक लिविंग यू नो, और मे बी इट्स अबाउट दे आर नॉट टेकिंग स्टेप। हो सकता है दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, आप करें, वो वाली एनर्जी है। अब इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? सेजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, आई थिंक दे आर क्लोज्ड ऑफ। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, लाइक दिस पर्सन इज रियली क्लोज्ड ऑफ। ओके, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने आप तक रख रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग यू, दे आर नॉट टेलिंग यू, आपको नहीं बता रहे हैं कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, और कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। और यही इंटेंशन मुझे दिखाई दे रही है कि बंद करके रखा हुआ है सब कुछ, नॉट टेलिंग, रिफ्यूजल दोनों साइड से है, ठीक है। ओके, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? एंड ओके, यू बोथ बोथ विल टॉक टू ईच अदर, ठीक है, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? एक्सक्यूज मी, वी आर गेटिंग द फोर ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, सो क्या चल रहा है? तो बेसिकली इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट बींग टुगेदर, इट्स अबाउट कमिटमेंट, ठीक है। सो आप शायद, हो सकता है कि फ्यूचर में यू बोथ विल कम टुगेदर, अगर अभी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है तो आप दोनों एक साथ हो जाएंगे, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बिकॉज वी आर गेटिंग द लवर्स एनर्जी या लवर्स कार्ड, तो मैंने आपको बोला ना यहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ पे ऐसा है कुछ कि मे बी इट्स अबाउट यू आर डीलिंग विद द काउंटर पार्ट, ठीक है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, ठीक है, तो वो चीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, अभी ऐसा लगता है कि इमोशंस का टाइम नहीं है, इमोशंस को लॉक करके रख दिया है, बस वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। सो अब जो लोग फॉर हु एवर वॉचिंग, चाहे सिंगल है, कुछ भी है, व्हाट्स कमिंग इन लव जून मंथ में, ठीक है, सब क्यूरियस हैं जानने के लिए व्हाट्स कमिंग इन लव फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ओके, सो देखिए भाई, मिक्स्ड मिक्स्ड कार्ड्स आ रहे हैं, सो मेनी कार्ड्स। पहली बात तो ये, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप कनेक्ट करें और फिर उसके बाद फिर अगेन यू नो कुछ अलग हो जाए, या जरा सी बात हो, आप लोग कनेक्ट करें और फिर आप लोगों के बीच में यू नो एक सेपरेशन फेज आ जाए, और हो सकता है कि लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से ये चीज़ हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है। इट्स अबाउट हमारे पास यहाँ आ रहा है लेट योर फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं बीच में या कुछ है, ठीक है, एंड मे बी हो सकता है कि अगर चीज़ों को ठीक करना है देन यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, या कुछ भी करके यू कैन मैनेज इट आउट, ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं, हमारे पास ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वेट फॉर द राइट वन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आप मान लीजिए स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं शादी के लिए, और बीच में कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या सडनली कोई फैमिली इशू अराइज हो जाता है, या आप सोच तो रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं पा रही, बिकॉज यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है, तो कुछ है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है आप लोगों का, या कुछ ऐसी चीज़ है। तो ये चीज़ें हमें सेजिटेरियंस के लिए दिखाई दे रही हैं, लाइक आप लोग बॉन्ड बनाते हैं एंड सडनली कुछ इश्यूज आ जाते हैं, चाहे वो फैमिली इश्यूज हैं या कुछ और इश्यूज हैं, एंड देन अगेन आप अलग हो जाते हैं, सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, सो दैट चीज़ें ठीक हो जाएं, या पहले चीज़ों को ठीक कर लीजिए। हमारे पास यहाँ न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है, और गेटिंग टू नो ईच अदर, सो यू लाइक यू नो गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, तो ये सारी चीज़ें हमें सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं फॉर द लव सेक्टर। चलिए, करियर वाइज देख लेते हैं कि ये जो महीना है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी, ओके, देर इज समथिंग सेजिटेरियस, देर इज समथिंग यू आर लाइक यू नो वेटिंग अपॉन। हो सकता है कि कुछ ऑफर्स आ रही हैं आपकी तरफ, न्यू नई नई ऑफर्स आ रही हैं, पर कुछ है जो यू नो
स्टिल यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑफर्स तो आ रही हैं बट आप हैप्पी नहीं हैं, और या कुछ बदलाव आ रहे हैं डेफिनेटली, या यू आर नॉट हैप्पी विद द चेंज, आप हैप्पी नहीं हैं विद द चेंज, यू नो कि क्या हो रहा है ये, यू आर लाइक नॉट, आपको समझ नहीं आ रहा, ऑल्दो हो उस तरीके से रहा है जैसे आप चाहते हैं, बिकॉज यू नो लाइक आपको आदत है अपने तरीके से, आप चाहते हैं कि कुछ चीजें यू नो एक आपके तरीके से हो, बट प्रॉब्लम इज हो सकता है आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है जो ये जो सिचुएशन ऐसी बनी है, ठीक है, आप उससे हैप्पी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा वेयर टू मूव, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है बट क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है. एंड कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर रिफ्यूजिंग समथिंग, हो सकता है कि आप कुछ रिफ्यूज करके, कोई बहुत अच्छी जॉब रिफ्यूज करके आप कुछ और तलाश रहे हैं, ठीक है, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ, तो लेट्स फाइंड आउट करियर के लिए थोड़ा और देख लेते हैं फॉर सेजिटेरियस. ओके सेजिटेरियस, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट. ओके देर इज समथिंग, कुछ है, कुछ गड़बड़ है, वी आर गेटिंग अ हार्ट ब्रेक हियर, फॉल्स पर्सन, हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई यू नो अचानक से कोई किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, या किसी ने कुछ बोला है या कहा है जिससे चीजें इफेक्ट हो रही हैं, और मे बी समबडी यू आर डीलिंग विद, कुछ है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यू आर फेसिंग इन करियर जून मंथ, सो स्टे अवे फ्रॉम पीपल, या कोई ऐसी सिचुएशन, ठीक है, आप उस चीज से थोड़ा सा दूर रहिए, या हो सकता है आप बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वैसा हुआ नहीं डेफिनेटली, या थीफ हमारे पास यहाँ एनर्जी आ रही है, सो मे बी फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है सेजिटेरियस, ठीक है, कि बीच में मान लीजिए कि कोई मुंह पे कुछ और हो रहा है, पीठ पीछे कुछ और चल रहा है, या कोई आपके बारे में बातें कर रहा है, या धोखा दे रहा है आपको, या कुछ और है, या यू नो इंटेंशन किसी की अच्छी नहीं है, तो ये बहुत जानने की जरूरत है. अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, और यू नो स्टिल आई एम फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इज देयर, बट स्टिल आई एम फाइंडिंग दैट कि ये चीज है जो आपको थोड़ा हैप्पी नहीं कर रही है, या हो सकता है कि देयर इज सम कोई है बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, लाइक कुछ प्रॉब्लम कंसर्न है आपको किसी चीज का, मे बी समबडीज हेल्थ, और मे बी समथिंग एल्स जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज दिख रही है, लेट्स फाइंड आउट मोर, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए सेजिटेरियस का करियर जून मंथ में. ओके सो वही वाली बात हो गई दैट यू नो यू लाइक इट्स अ जर्नी, ठीक है, कि आपकी कोई जैसे ऐसा लगता है कि कोई न्यू जर्नी बिगिन हुई है, कुछ स्टार्टअप हुआ है, एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू डील विद इट, अटैच विद इट विद इट, या हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यू नो कि कैसे आप इसको यू नो रिसीव करें, कैसे सब कुछ ठीक होगा, इट्स अबाउट दैट, तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पे, सॉरी आर्कएंजल रफायल आ रहे हैं, इट्स अबाउट हीलिंग यू नो और एक्सेप्टेंस, जिसे हम कहते हैं कि एक्सेप्ट करना द यू नो द थिंग्स जैसे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, स्टार्टिंग में भी हमारे पास वो एनर्जी थी, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन दैट इज नॉट हेल्दी फॉर यू, तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस, प्लीज एंजल्स हमें बताइए. ओके इट्स टाइम, आई थिंक हमारे पास यहाँ पे स्लो डाउन वाली एनर्जी आ रही है, सो टेक बेबी स्टेप्स, कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यू आर अ वाइज पर्सन एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट उसको सही दिशा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हो सकता है कि आप टावर मूवमेंट के थ्रू चल रहे हैं, चाहे लव लाइफ है या करियर है, ठीक है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है, और जैसे कि बेल बजी है, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चीजें ऐसा लग रहा है आपको अच्छी नहीं चल रही हैं बट हो जाएंगी इवेंचुअली, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं. और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ब्रेक थ्रू, तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी आपको ये जो जो भी चीजें हो रही है ना, वो आपको रेडी कर रही है फॉर द ब्रेक थ्रू, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, यू नेवर नो, और आपने शायद कभी सोचा भी ना हो,
तो वो वाली एनर्जी है. सो ये सब कुछ इट्स प्रिपेयरिंग फॉर लाइक यू टू यू नो टू अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ. चाहे वो प्योरिफिकेशन है, चाहे वो कुछ भी है, या टेस्ट है, या परीक्षा चल रही है आपकी और आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है, दिस एंड दैट. और बट इट्स फॉर यू टू मेक यू यू नो बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर.